है क्यों ना कुछ ऐसी जगह पे जाके खाएं जहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो आई थिंक आई फाउंड दिस साउथ ईस्ट एशियन रेस्टोरेंट नॉम सूरज सा यानी अनस और मीना बिंदनी यानी कनिका रेस्टोरेंट के इस लंच टेबल पर जैसे ही पधारे शुरू हो गई चटर पटर बातें। What is this nom? क्या है nom? मैं बताऊँ क्या है? ठीक है। Nom. When you eat Japanese food, it sounds like this. Nom. Nom. जितनी मजेदार इनकी बातें उतने ही मजेदार इनके झगड़े। कनिका को अपना जूस पसंद नहीं आया तो झपट लिया अनस का ये जूस। ये बेटर है। चलिए चलिए झगड़ा बंद कीजिए और ये बताइए कि आज इस आउटिंग का प्लान किसने बनाया? प्लान मेकर इज मी, आई मेक अ प्लान। अब बातों से लीजिए थोड़ा ब्रेक और जरा ये बताइए कि आपके सामने ये खूबसूरत और यमी दिखने वाली डिशेस कौन कौन सी हैं? इसको बोलते हैं सुशे, मतलब जैसे हम गुजराती में बोलते हैं सुशे, तो ऐसे ही उन्होंने बना दिया है सुशे। What I'm having steamed high. High flavored fish steamed with banana leaf. And it's with honey. जो होता है ना वो थाईलैंड के लोग उस स्टाइल की मच्छी को पकड़ के केले के पत्ते में लपेट के उसको स्टीम भी करते हैं। इतना देसी करके खराब मत कर टेस्ट। जितना यमी इनका खाना उतनी ही यमी इनकी बातें। अपनी को स्टार संध्या से लेकर सबकी पोल खोल कर दी इन्होंने। शॉर्ट रेडी तो मतलब उसमें इतना प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि उस वक्त चाहे वो खा रही हो, पी रही हो, बता रही हो, कहीं बैठी हो, कुछ भी कर रही हो, अपने किसी करीबी के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी के साथ वो वहाँ से बात करती है। मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जब कैमरा एक्शन होता है वो भी मेरे डायरेक्टर का, वो ही मैं थोड़ा सा सीरियस होता हूँ। गॉसिपिंग मुझे हर इंसान के मुंह से अच्छी लगती है, एक्सेप्ट करने का। ये जो उसको मक्खन लगा थोड़ा और डाल के लड़का बार बार तुझे बताती है ना, तो बहुत मजा आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। अरे जरा सांस तो लीजिए, थोड़ी और पेट पूजा कर लीजिए। पैन फ्राई नूडल्स ये हैवन राइट नाउ, पैन फ्राई नूडल्स हम लोग खा रहे हैं। सुनिए दिया बाती के इस मास्टर शेफ ने थाई करी की टॉपिंग पर क्या ज्ञान दिया। टॉपिंग है जो हमारे देसी भाषा में धनिया है, भुना हुआ प्याज है, ये सिंग दाना है, ये वही सब वही सोच रहे। भगवान, चलिए अब अपने फूड ज्ञान को थोड़ा विराम दीजिए और ये बताइए कि आप दोनों आखिर इतने अच्छे दोस्त बने कैसे? Our minds are alike. हम ऐसे एक जैसा ही सोचते हैं। खाने का बहुत ध्यान है। Sometimes she behaves like a mother, sometimes she behaves like not a sister, but like a buddy. अनस, ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, औरत की बहुत इज्जत करते हैं। कनिका लव्स माय फूड, ऑफ कोर्स शी ऑलवेज टेल मी दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम वेरी क्लोज टू यू। और इनकी दोस्ती में एक और कड़ी जुड़ गई है कनिका के पति अंकुर के साथ। मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, आई थिंक उसका सारा श्रेय जो है वो कनिका को जा रहा है। तो यानस, आपकी बेस्ट फ्रेंड ने तो शादी कर ली, अब ये बताइए कि आपका बैंड कब बजेगा? शादी कब करेगा? मैं लड़कियां ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, कोई लड़की कहीं पे मिले अच्छी नहीं यार, इसमें ये नुक्स है उसमें वो नुक्स है, पता नहीं वो परफेक्ट लड़की कब कहाँ से टपकेगी। किसी भी लड़की में कोई नुक्स नहीं, क्योंकि मैं सूरत बाद में देखता हूँ, पहले सीरत देखता हूँ।
मुझे बहुत ही सिंपल लड़की चाहिए और जब भी मिलेगी मेरे ख्याल से वो टाइम। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा हो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।